आजकल आप सभी लोग उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक चेहरा काफ़ी दिनों से देख रहे होंगे, प्रियंका गांधी काफ़ी सक्रिय बनी हुई हैं। और आप सभी लोग ये भी जानते हैं कि अभी हाल ही में कुछ ही महीनों बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होने जा रहे हैं। और कई लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस किसी भी कारण से अगर यहाँ जीतती है, उत्तर प्रदेश चुनाव जीतती है विधानसभा, तो सीएम का चेहरा भी हो सकती है कौन? प्रियंका गांधी। तो वैसे हमारे अगर किसी राज्य में या देश में कोई चर्चा में है नेता, तो उसके बारे में हमें जान लेना चाहिए कि आखिर उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका राजनीतिक सफर कैसा रहा है। समझ रहे हैं आप लोग? क्योंकि आप सोचिए, जिस तरह का आप नेता चुनेंगे और उसका जिस तरह का बैकग्राउंड रहेगा, उसी हिसाब से वो आने वाले समय में भी काम करेगा। और प्रियंका गांधी के अगर बैकग्राउंड की बात करें, तो आप समझ सकते हैं कि एक तरह से इन्हें राजनीति विरासत में मिली हुई है, क्योंकि आप देखते हैं कि नेहरू और गांधी परिवार से संबंध रखती हैं। और आप सभी जानते हैं कि ये सोनिया गांधी और राजीव गांधी की पुत्री भी हैं, तो इसका भी इनको काफ़ी फायदा मिल रहा है। एक बार सबसे पहले आप लोग उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर आपको दिल्ली की गद्दी चाहिए, तो उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से शुरू होता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में आपको विधानसभा सीटें 403 देखने को मिलेंगी, विधान परिषद सीटों की बात करें 100 सीटें देखने को मिलेंगी, वहीं अगर हम लोग राज्यसभा सीटों की बात करें तो 31 सीटें देखने को मिलेंगी, और लोकसभा सीटों की बात करें तो 80 सीटें देखने को मिलेंगी। और आप लोगों ने यह भी देखा होगा कि अधिकतर आपके मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से ही निकल के आए हुए हैं। अभी वर्तमान में जो आपके प्रधानमंत्री मोदी साहब हैं, ये भी तो आप जानते हैं कि बनारस से लोकसभा क्षेत्र से चुन के आते हैं, ठीक है? और याद रखिए, उत्तर प्रदेश को अगर हम लोग एक स्टेट दर्जे की बात करें कि कब मिला था स्टेट, कब बना था ये, तो आप सभी जानते हैं कि 24 जनवरी 1950 को। इसलिए आप देखते होंगे कि 24 जनवरी को आप लोग उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चंस कभी पूछता है कि उत्तर प्रदेश से लगे राज्यों की अगर बात की जाए, क्योंकि आजकल इस तरह के क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में भी पूछने लगा है, तो याद रखिए उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा केवल नेपाल से लगती है। और अगर हम लोग राज्यों की बात करें, तो आप देखेंगे उत्तराखंड हो गया, ये हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। क्या बिहार से भी सीमा लगती है? इस तरह से आप देखेंगे कि टोटल आपके 9 राज्य हैं। कितने? 9 राज्य हैं। समझ रहे हैं आप लोग? 8 तो आपके राज्य हो गए, एक आपका केंद्र शासित प्रदेश हो गया। ये आपका क्वेश्चन एक बार पूछ लिया है कि सबसे ज्यादा किस राज्य की राज्यों से सीमा लगती है, तो उत्तर प्रदेश की, ठीक है? ये भी याद रखिएगा। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपकी नेपाल से लगती है। चलिए अब प्रियंका गांधी के बारे में कुछ जान लेते हैं। देख लीजिए, इनकी पिक्चर है और आप आए दिन देखते भी रहते होंगे। तो इनके अगर हम लोग पूरे नाम की बात करें, तो इनका पूरा नाम है प्रियंका गांधी वाड्रा, और इनके निकनेम आप सभी जानते हैं, प्रियंका के नाम से जानते हैं। अगर हम लोग इनके जन्म की बात करें, तो आप सभी देखेंगे कि 12 जनवरी 1972 को इनका जन्म होता है। कब? 12 जनवरी 1972 को इंदिरा गांधी का आप देखते हैं कि इस समय राज चल रहा था कांग्रेस का। जन्म स्थान की बात करें, तो दिल्ली, भारत में इनका जन्म होता है। और इनकी अगर हम लोग पिता की बात करें, तो आप सभी जानते हैं कि राजीव गांधी इनके पिता थे। कौन? राजीव गांधी इनके पिता थे। एक बार आपको राजीव गांधी की भी फोटो दिखा देते हैं। देखिए, आप लोगों ने देखा भी होगा, राजीव गांधी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे, तो इनके पिता हैं। और इनकी अगर हम लोग माता की बात करें, तो आप सभी जानते हैं कि जो अभी लोकसभा सदस्य हैं, और आपने देखा होगा कि ये लोक एक तरह से कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष भी बनी हुई है। कौन? सोनिया गांधी। ये हैं आपकी सोनिया गांधी, इनकी मदर हैं। और आप देखेंगे कि इनके फिरोज गांधी इनकी दादी जी हैं, और दादाजी और दादी जी इंदिरा गांधी, जो आप सभी को मालूम होगा कि पूर्व प्रधानमंत्री भी रही हैं। कौन? इंदिरा गांधी जी। एक बार देख लीजिए, ये फिरोज साहब हैं,
और ये आप देखेंगे इंदिरा गांधी हैं। और आप देखते हैं फिरोज शाह के एक तरह इनके नाम पर भी बवाल चलता रहता है। और आप देखेंगे भाई को, आप जानते हैं राहुल गांधी साहब हैं इनके भाई। कौन है? राहुल गांधी। देख लीजिए राहुल गांधी के भी आप लोग दर्शन कर लीजिए। और इनके हम लोग पति की बात करें तो रॉबर्ट वाड्रा, जिन पर आप देखते हैं कि कई बार भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया। ठीक है, तो इनकी 18 फरवरी 1997 को इनकी शादी होती है। किससे? रॉबर्ट वाड्रा से। अब आप कहेंगे कि रॉबर्ट वाड्रा को भी देख लीजिए, देख लीजिए इनकी शादी होती है रॉबर्ट वाड्रा, यहां भी आप देख सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे इनका एक बेटा है रेहान वाड्रा, रेहान वाड्रा को भी देख लीजिए, ये है रेहान वाड्रा। इनकी एक बेटी भी है मिराया, मिराया मिराया वाड्रा, जो आप देख सकते हैं ये आपको फोटो में दिख रही होंगी। ठीक है, तो इनकी है ये फैमिली। अगर हम लोग इनकी शिक्षा की बात करें तो मॉडर्न स्कूल नई दिल्ली से इन्होंने शुरुआती शिक्षा की। फिर आप देखें कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी दिल्ली से इन्होंने ही आगे की शिक्षा की। उसके बाद आप देखेंगे विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय से इन्होंने आगे की शिक्षा की। और यहाँ से आप देखेंगे बीए में, मनोविज्ञान में बीए करती हैं। फिर आप देखेंगे एमए इन्होंने बौद्ध अध्ययन में किया है। किसमें? बौद्ध अध्ययन में। और बौद्ध धर्म के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, गौतम बुद्ध के बारे में भी पढ़ा होगा। अब बात आती है इनके शौक की, अभिरुचि की, कि इनका शौक क्या है। तो फोटोग्राफी करना, पढ़ना, बाहर काम करना और ध्यान करना, यानी कि योग करना। आप सभी जानते हैं कि भारतीय राजनीति से जुड़ी हुई है। और इनकी जो पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है। आप लोगों को काफी बार हम लोग बात कर चुके, जब राहुल गांधी के बारे में बात की और भी हम लोगों ने कई क्लासों में बात की हुई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी आप लोग बताइए, और बीजेपी की स्थापना कब हुई थी? ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप लोग नीचे दीजिए। अगर याद नहीं है तो आप लोग गूगल भी सर्च कर सकते हैं। इनकी अगर हम लोग पसंदीदा बुक की बात करें या पुस्तक की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत की खोज नामक पुस्तक इनकी पसंदीदा पुस्तक है। और पसंदीदा अगर राजनेता की बात करें तो सोनिया गांधी। और आप देखते हैं कि सोनिया गांधी की जिस तरह से कटिंग रहती थी बालों की, वही तेवर उसी तरह आप देख सकते हैं कि प्रियंका गांधी भी अपने आप को बनाए हुए, कि इनकी पसंदीदा नेता कौन है? सोनिया गांधी। अब बात आती है इनकी राजनीतिक यात्रा की। तो याद रखिए अभी तक इन्होंने चुनाव डायरेक्ट नहीं लड़ा है। 2004 में इस समय वह सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी की अभियान प्रबंधक थी। क्योंकि आप देखते हैं कि राहुल गांधी इस समय लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे। फिर आप देखेंगे कि 2007 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होते हैं। उन्होंने अमेठी रायबरेली की बरेली क्षेत्र की 10 सीटों पर प्रचार में कांग्रेस पार्टी की मदद भी की हुई थी। और 2009 में आपने देखा होगा कि पार्टी प्रचारक भी रही हैं। फिर आपने देखा है कि 2012 में इस समय अमेठी विधानसभा चुनाव में मुख्य प्रचारक थी और इन्हें केंद्र माना जा रहा था। और प्रचार को अमेठी से सुल्तानपुर तक ले गई थी, क्योंकि आपने देखा है कि 2012 में भी उत्तर प्रदेश में आपके विधानसभा चुनाव हुए थे। 2014 में आपने देखा कि लोकसभा चुनाव होते हैं, जिसमें आप देखते हैं कि पीएम साहब की काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी बीजेपी की, और आपने देखा काफ़ी नेता उनके नाम पर लड़े और चुनाव भी जीत गए और प्रधानमंत्री बन के आते हैं मोदी। तो उस समय भी आप देखेंगे कांग्रेस की तरफ से पार्टी प्रचारक भी रही हैं, लेकिन इन्हें काफ़ी हार एक तरह नुकसान झेलना पड़ा, क्योंकि आपने देखा है कि विपक्ष में बैठने लायक भी सीटें नहीं ला सकी कांग्रेस। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि 2017 में भी आपके विधानसभा चुनाव होते हैं और अमेठी क्षेत्र की पार्टी प्रचारक रही थी, लेकिन आप देखेंगे कि 2017 में भी कांग्रेस को विधानसभा में कुछ ज्यादा अच्छा फायदा नहीं हुआ, इनका अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। इसी तरह 2019 में देख सकते हैं आप लोग कि 2019 में आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव होता है और नरेंद्र मोदी की आपने देखा कि पिछली बार से भी और अच्छी हवा मानी जा रही थी और कांग्रेस के कई दिग्गज नेता चुनाव हार गए थे। और इसीलिए आपने देखा है कि 2019 में एक कांग्रेस महासचिव पूर्वी उत्तर प्रदेश चुनावी क्षेत्र में दौरा करती हैं, प्रचार प्रसार करती हैं और अमेठी की सीट
राहुल गांधी भी चुनाव में हार जाते हैं। किसमें? लोकसभा चुनाव में। स्मृति ईरानी साहब चुनाव जीतती हैं क्योंकि वो राहुल के खिलाफ लोकसभा चुनाव अमेठी क्षेत्र से लड़ रही थी। लेकिन याद रखिए, केरल की वायनाड सीट से राहुल गांधी 2 सीटें चुने हुए थे, तो वहां से चुनाव लोकसभा चुनाव जीत जाते हैं। ये कहानी है प्रियंका गांधी की। और आपको बता दूं, अभी इन्होंने, फिर से बता रहा हूं कि ये चुनाव अभी तक इन्होंने डायरेक्ट नहीं लड़ा है, तो आप देखेंगे आने वाले वक्त में क्या होता है। अभी तो आप देख रहे हैं कि एक तरह से काफी सक्रिय मानी जा रही हैं और जमीन पर दिखाई भी दे रही हैं। तो क्या प्रदर्शन रहता है आने वाले चुनाव में, क्या नहीं रहता है, ये तो रिजल्ट ही बताएगा। खैर, इतनी कहानी है प्रियंका गांधी की। चलिए, हम लोगों ने काफी लोगों के बारे में बात की ली है, उत्तर प्रदेश में जितने भी चर्चा में रह रहे हैं नेता। अगर कोई और भी हो तो बताइएगा, उसे भी हम लोग कवर कर लेंगे।